a hidroxicloroquina. News coming in, Delhi's Health Minister Satyendra Jain speaking to my colleague Ashutosh Mishra. We'll just listen to what he's saying. ये हम शुरू से कर रहे हैं. जो भी अगर कहीं जगह मिली है तो उसको हमने शुरू से कर रहे हैं. निजामुद्दीन के अंदर वहाँ पर लगभग 6000 घर थे. हर घर के अंदर हमने स्कैन किया. एक एक घर के अंदर हमारे लोग गए हैं और जिसको भी सिम्टम मिले उनको टेस्ट कराया गया है और सिर्फ एक केस मिला जो कि पॉजिटिव मिला, परंतु उसको स्कैन अच्छी तरह से किया जाता है पर उसको सील भी किया जाता है. ये पहले जो इलाके सील हुए हैं वहाँ पर किस तरह का प्रोटोकॉल, हमने कहा कि सरकार ने कहा कि वो किट मंगाएगी, किस तरह की तैयारियां हैं वहाँ पर जाकर के टेस्टिंग को लेकर? देखिएगा, किट के लिए मैं बताऊँ आपको, ये जो रैपिड किट है केंद्र सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले अप्रूव किए हैं. जैसे ही अप्रूव हुई हमने तुरंत उसका 1 लाख का ऑर्डर दे दिया है. हमने केंद्र सरकार से भी मांगी है कि केंद्र सरकार ने भी अलग से ऑर्डर दिया हुआ है कि जैसे ही आती है उनसे भी हम मांग रहे हैं, हम डायरेक्टली भी मांग रहे हैं. जिस दिन भी हमारे पास आ जाएगी हम तुरंत इसकी स्टार्टिंग कर देंगे उसी दिन से, और सबसे पहले हॉटस्पॉट्स को ही किया जाएगा. इन हॉटस्पॉट में अब एक लोगों को फिक्र ये भी है, हमने कहा पैनिक बाइंग की भी तस्वीर देखी कई जगहों पर, कि वहाँ जो लोग हैं उन तक बुनियादी चीज़ें कैसे पहुँचेंगी और इसका ये जो सील होता है इस लॉकडाउन का मतलब क्या है, क्या वहाँ पर बुनियादी चीज़ें पहुँच सकती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊँ आपको, दिल्ली के अंदर चिंता करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली में जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी सब ख्याल सरकार रखेगी, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें. ऑलरेडी दिल्ली के अंदर 20 हॉटस्पॉट हैं. कल मीडिया में आना स्टार्ट हुआ हॉटस्पॉट, क्योंकि दूसरे राज्यों से हॉटस्पॉट का बढ़ आया. हम तो पहले से कर रहे हैं तो कोई तकलीफ किसी को हो नहीं रही. जहाँ भी हम कर रहे हैं सब जगह कर रहे हैं. चिंता इस बात को लेकर की थी कि जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा था और सरकार ने कल ये भी आदेश दिया है कि अब दिल्ली में मास्क पहनना आज से अनिवार्य हो गया है, आदेश लागू हो चुका है. क्या इसको लेकर के सर कड़ी कार्रवाई भी होगी कई जगहों पर अगर उल्लंघन होता है तो? देखिए, मैं भी लगा के बैठा हूँ तो, और सभी लोगों को लगाना चाहिए. हो क्या रहा है कि अब लॉकडाउन के बाद ना नंबर ऑफ केसेस तो कम हो गए हैं, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सिम्टम्स नहीं है. आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, अगर दोनों ने मास्क लगाया है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. अगर जिसको इन्फेक्शन है उसने लगाया है तो मान लीजिएगा 50-60% कम हो जाता है, और जिसको नहीं है उसने भी लगाया, दोनों ने लगाया है तो 90-95% तक भी उसका बचाव हो सकता है. जाहिर एहतियात के तौर पर वो भी ज़रूरी है. मैं आंकड़ों पर आना चाहूँगा कि राजधानी में फिलहाल जो पॉजिटिव केसेस उनके आंकड़े कितने हैं, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ वो जो जमात से आने वाले लोग थे निजामुद्दीन से उनकी वजह से था. तो फिलहाल आंकड़े कुल मिलाकर कितने हैं? दिल्ली में अभी 669 केसेस पॉजिटिव हैं, जिसमें से 426 केसेस तबलीगी जमात के हैं और 243 केसेस उसके अलावा हैं. लगभग 60% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो तबलीगी जमात का है. उनमें से जो लोग अभी तक नहीं थे क्या उनके ट्रेस मिल पाए हैं सरकार को, वहाँ तक आप पहुँच पाए? देखिएगा, हमने दिल्ली के अंदर जैसे पहले भी बताया था, 2 दिन के ऑपरेशन के अंदर 2551 लोगों को वहाँ से हमने टोटल निकाला था, जिसमें 550 लोगों को हमने अस्पतालों में एडमिट कराया था, बाकी लोगों को हमने क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा था अलग अलग जगह. उसके बाद भी लगभग 700 लोगों को और हमने अलग अलग जगह से कराए, तो अभी हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर और सब मिला के लगभग 3200-3300 लोग हैं और उन सबकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं. इसीलिए ऐसे में अगर केस बढ़ते हैं जिस तरह की आक्रामकता दिखाई दे रही है उससे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, वहाँ के लोगों को तो सबको हमने आइसोलेट कर दिया है भाई, उन लोगों को आइसोलेट कर दिया है जैसे आइसोलेटेड पॉकेट्स, उससे दूसरे को नहीं फैलेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट क्वारंटाइन में है, गवर्नमेंट के अंडर है, या तो हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में है. उन लोगों से आगे फैलने के चांस नहीं. अगर पहले से किसी ने मतलब वो पहले छोड़ के चला गया था वहाँ से, या जिसका लिंक नहीं मिला, तो उससे हो सकता है, वैसे अदरवाइज फैलने के चांस नहीं है. हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस समय स्टूडियो में. मीनाक्षी, आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से. All right, that was Ashutosh Mishra speaking to Delhi's health minister. Remember, Delhi is facing increasing number of cases.